और कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी होने से माहौल खुशनुमा हो गया है। बर्फ देखने की चाहत में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है तो कारोबारियों के चेहरे खिल गए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें सबसे ज्यादा खुश हैं डल लेक के शिकारा और बोट हाउस वाले, क्योंकि कोरोना काल के बाद उनका कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, लेकिन इस बर्फबारी ने उनको भी मुस्कुराने का मौका दे दिया है। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद नजारा पूरी तरह से सुहावना हो गया है। इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश विदेश से सैलानी यहां पहुंचने लगे हैं। खासकर श्रीनगर के डल झील और उसके आसपास सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। बर्फबारी के बीच लोग शिकारे और हाउस बोट का आनंद लेने के लिए उमड़ रहे हैं। आई एंजॉयड अ लॉट, ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरे लिए, फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखा और डल लेक भी मुझे काफी पसंद आया। हॉस्पिटैलिटी इनकी इतनी अच्छी थी कि हमें बहुत ही अच्छा लगा। ओवरऑल जो मेरे को चाहिए था बोलिए तो मेरा ड्रीम कम्प्लीटली यहाँ पे पूरा हुआ है। डल झील के चारों ओर बर्फ का ढेर है तो डल लेक में शिकारे और हाउस बोट की रौनक देखते ही बन रही है। सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी से होटल्स और हाउस बोट में जगह नहीं मिल रही है, सब टूरिस्टों से भर गए हैं। इससे टूरिस्ट बहुत बढ़ गए सर, अभी सब हाउस बोट में कस्टमर है और यहाँ होटलों में भी और शिकारे वाले भी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी शुक्र ऊपर वाले के ये बर्फबारी हो गई, ये हमारी खूबसूरती है, कश्मीर की खूबसूरती है। श्रीनगर आने वाले पर्यटक न सिर्फ यहाँ के मौसम का मजा ले रहे हैं बल्कि शिकारे का आनंद भी उठा रहे हैं। पहली बार कश्मीर आए लोग कुदरत के इस करिश्माई तोहफे से अभिभूत नजर आए। जम्मू कश्मीर लोगों को बहुत अच्छा है, तो कंफर्टेबल फील हो रही हूँ। यहाँ पे लोग भी टूरिस्ट लोगों को बहुत अच्छा दिखते हैं, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है और आर्मी भी कोऑपरेटिव है, पुलिस डिपार्टमेंट भी कोऑपरेटिव है, सो आई फील लाइक वेरी कंफर्टेबल हियर। कश्मीर के कई इलाकों में पिछले दो दिन से बर्फ की बूंदों ने यहाँ के प्राकृतिक नजारे को और मनोरम बना दिया है, जिसे देखने दूर दूर से सैलानी पहुँचने लगे हैं। इससे पर्यटकों की मनचाही मुराद तो पूरी हो ही रही है, कारोबारियों के चेहरे भी खुशी से खिल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।